मेरा नाम इमरान है। मेरा वो छोटा भाई जो हैदराबाद के, हम लोग यहाँ से हैदराबाद से 13-12 नवंबर 2023 को एक बाबा ब्लॉक बोल के है, जो दुबई में उसकी ऑफिस है, जिसके एजेंट इंडिया में सुफियान और पूजा है। इनके ज़रिए से पहली बैच गई थी रशिया, जिसमें मेरा भाई हैदराबाद से था, एक यूपी का लड़का था और एक कश्मीर का लड़का था। ये तीनों 12 नवंबर को हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से शारजा, शारजा से मॉस्को गए। वहाँ पर इनको ये बताया गया था कि आपको मिलिट्री हेल्पर की जॉब है, जिसके लिए वो एक एक से 3-3 लाख रुपए चार्ज किए। उसके बाद वहाँ पर लग गए। बाद में 12 नवंबर को ये लोग वहाँ रशिया मॉस्को पहुँचे, जिसके बाद 13 नवंबर से इनकी से एक एग्रीमेंट साइन कराया गया जो रशियन लैंग्वेज में था। ये लड़कों को रशियन नहीं आती थी, ये लोग एजेंट के भरोसे पे वो एग्रीमेंट साइन किए। जब एग्रीमेंट साइन किए, जब पता चला कि इनको ये आर्म फोर्स के हाथ से रशियन आर्मी को ज्वाइन किए, जिसका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एजेंट पहले भी इनसे झूठ बताया कि इनकी सैलरी 45,000 रहेगी, जबकि वहाँ पर एग्रीमेंट में जो है 1-1.5 लाख के करीब सैलरी थी इनकी, और ये एजेंट वहाँ पर भी सैलरी में से 1-1 लाख रुपये इनसे कमा रहा था। जब उनको मालूम हुआ कि रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, जब एजेंट को कांटेक्ट किया कि भाई हमारे साथ ये ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ एग्रीमेंट करा के मिलिट्री का ड्रेस पहना दिया गया, हमारे को गन दिए, हमारे को फायरिंग सिखा रहे, ये सिखा रहे, तो वो बताया कि भाई ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, इससे आप टेंशन मत लो, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, आपको कहीं जंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं यूक्रेन भिजाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे ये 1,000 किलोमीटर तक लेके गए, जो यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर तक ले जाके वहाँ पर रखा उनको 10 दिन। तभी भी वो लोग एजेंट को बताए कि हमारे को यूक्रेन बॉर्डर के करीब ला लिए, अब हमारे कभी भी यूक्रेन भिजा सकते, आप जल्द से जल्द एक्शन लेके हमारे को यहाँ से निकालो। वो लोग बताए आपको कुछ नहीं होगा, यूक्रेन नहीं जाएंगे आप, और यहाँ पर ही रहेंगे रशिया में, और ये मैं ऑफिसरों से बात कर रहा हूँ, ये पूरी चार्ट अवेलेबल है मेरे पास, ये सब स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, ये कोई आपको कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ है मेरे पास। इसके बाद ये लड़के 3 जनवरी को जब यूक्रेन पहुँच गए, उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया, जो आज तक मेरे भाई से अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। इसके बाद और एक बैच गई 6 लोगों की, जो दिसंबर में गई, वो लोग भी आज यूक्रेन में है, जिसमें से 3 लोग कांटेक्ट में है, 3 लोग कांटेक्ट में नहीं है, उनके भी फ़ोटो वीडियोस है मेरे पास। और इसके बाद जो है आपको 23 तारीख के दिन वो 3 लड़कों में से एक लड़का ज़ख्मी हुआ था, वो पीछे आया हॉस्पिटल में, उसने बताया कि भाई आपके भाई को गोली लगी, और एक कश्मीरी जो है वो ज़ख्मी है, और एक कश्मीरी जो था वो ट्रेनिंग में उसको गोली लगी, ये लोग धोखा दे के हमारे को यहाँ ला के फंसा दिए। आप हमारे ये उनके वो ऑडियो से गवर्नमेंट से अपील करो कि हमारे को यहाँ से बचाए, हम लोग 11-12 लोग हैं जो एजेंट के धोखे में आके रशियन आर्मी ज्वाइन कर लिए। आप आज दारुसलाम आए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात, असद साहब से आज हम लोग कल भी आए थे दारुसलाम, जो गुलबर्गा की फैमिली थी उन्होंने आए थे, नारायणपेट वाले आए थे, मैं खुद था यहाँ पर। असद साहब ये असद साहब से 25 जनवरी को भी मैं एक लेटर लिया था, जिससे मॉस्को एम्बेसी, मॉस्को में जो इंडियन एम्बेसी है उसके लिए और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए लेटर लिया था 25 जनवरी को। साहब को वो लेटर भी बताया, साहब अभी तक एक्शन नहीं हुआ बोल के वो लेटर को कहीं दिल्ली फॉरवर्ड किए। उसके बाद साहब खुद पर्सनली ये केस को अब हैंडल कर रहे, जिसकी वजह से कल पूरे फैमिलीज को साहब ने भरोसा दिलाया कि 1-8 दिन के अंदर हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके बच्चों को वहाँ से निकालेंगे, और ये जो एजेंट्स धोखा दिए इनके ऊपर गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इनको सज़ा दिया जाए।